फिरोजाबाद शहर के थाना दक्षिण क्षेत्र स्टेशन रोड एमजी कॉलेज के पास पशु चिकित्सालय के सामने राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के पदाधिकारी गाय को इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए उसे लेकर सड़क पर बैठ गए, जिससे कुछ देर तक जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पशु चिकित्सक रविवार होने के कारण 12 बजे के बाद घर चले गए थे। बाद में वो वहां पहुंचे और गाय को देख कहा प्राथमिक उपचार तो मिल जाएगा, परंतु पूर्ण उपचार को इसे मथुरा ले जाना पड़ेगा। सड़क पर बैठे राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी महानगर अध्यक्ष अभिषेक राठौर ने बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह गाय फतेहाबाद रोड चौराहे पर मिली थी, करीब एक घंटा हो गए लाए। इलाज तो नहीं दिया गया पशु चिकित्सालय में, बल्कि ये कहा गया यहाँ रुकोगे तो मुकदमा दर्ज करा देंगे, इस कारण यहाँ सड़क पर बैठ गए। बताया 3 दिन से परेशान है, डॉक्टर ने इलाज नहीं दिया। मौके पर थाना प्रभारी दक्षिण बैजनाथ सिंह थाना पुलिस संघ पहुंच गए। कहना था यहाँ के डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी 3 दिन से फोन नहीं उठा रहे। काफी समझाने के बाद गाय को अंदर ले गए। पशु चिकित्सक ने देखा और बताया कि इस गाय का फीमर फ्रैक्चर है, जिसमें कोई प्लास्टर नहीं हो सकता। पट्टी आदि कर लेंगे, पर डिटेल में इसमें रॉड आदि पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था यहाँ नहीं। इसको लेकर अन्य कहीं मथुरा आदि ले जा सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। किस संगठन से हैं आप? राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी महानगर अध्यक्ष। क्या पद है आपका? महानगर अध्यक्ष। अभी आप इसको लेकर बैठे हैं, गोवंश को, कहाँ पर बैठे हैं? ये हमारा एमजी कॉलेज एहसान रोड पशु चिकित्सालय के सामने। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हमने सभी लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, सभी अधिकारियों को, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस गाय को कोई भी ट्रीटमेंट दे दिए, हम खुद दे रहे ट्रीटमेंट। कहाँ से लेकर आए थे आप इसे? ये फतेहाबाद रोड पर गली थी, चौराहे पर, बीच में। कब लेकर आए थे यहाँ पर? अभी हमें 1 घंटा हो चुका पूरा। क्या जवाब मिला आपको यहाँ से? यहाँ से जवाब मिला, अगर यहाँ पर रखोगे हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बाहर किसने की? ये पता नहीं, इसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, 36 लोगों की सूचना पर हम पहुँचे थे, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं इसका ट्रीटमेंट। तो इस संबंध में आपने किसी संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? तो साहब को भी अवगत कराया था, डीएम नंबर पे भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, सीडीओ साहब से भी बात हुई थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। सब कहते हैं इससे बात करो, नगर निगम में बात करो, कोई कहता पशु चिकित्सालय में बात करो। लगभग पूरे घटनाक्रम का कितना समय हो गया आपको? घटनाक्रम का ये 3 दिन से चल रहा है, 3 दिन से। तब मैंने आज इसको चौराहे पे इन लोगों ने निकलवाया है। अब आप क्या चाहते हैं अभी? हमने ये चाहते हैं इसकी जो भी व्यवस्था है, इन गाय पशुओं की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि हम रात में 10 बजे जाते हैं, 1-1 बजे तक कार्य कर रहे हैं हर जगह पर जाकर भी। आपका कहने का मतलब पशु चिकित्सालय में कोई सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। अरविंद त्रिपाठी मेरा 3 दिन से फोन नहीं उठा रहे, और ये बात मैंने 1176 हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज भी करा चुका हूँ मैं।